प्रेस में हूं आपके साथ दुष्यंत। सबसे पहले खबर आपको बता रहे हैं जहां जगदलपुर में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है और 25 से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं। अनियंत्रित होकर पिकअप के पलट जाने से यह हादसा हुआ है। मंडवा गांव के ग्रामीण साप्ताहिक बाजार टोसापाल के लिए जा रहे थे और इसी दौरान यह हादसा हो गया। वहीं सभी घायलों को डिमरापाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद की एक तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जगदलपुर से, और ज्यादा जानकारी के साथ हमारा श्रोता आशुतोष तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गए। आशुतोष, हादसा कैसे हुआ, प्रत्यक्षदर्शियों का क्या कहना है और घायलों की क्या स्थिति बताई जा रही है? देखिए, आज जो टोकापाल में है वो बाजार का दिन है और बाजार के दिन ही ग्रामीण जो है वो पहुंचते हैं बाजार में खरीदारी करने के लिए, और कई जो ग्रामीण होते हैं वो बाजार में अपने सामानों को लेकर पहुंचते हैं ताकि उनकी बिक्री की जा सके। और इसी दौरान जो पिकअप वाहन था उसमें करीब 30 से 35 लोग वहां पर सवार थे और एक छोटा सा पिकअप वाहन में कहीं ना कहीं वाहन चालक का भी लापरवाही यहाँ पर है कि भेड़ बकरियों की तरह भर के इस तरीके से ले जाना और दुर्घटना हो जाती है तो इतने नुकसान होता है, घायल होते हैं, ग्रामीण घायल होते हैं, लोग जो मौजूद हैं उनकी जान चली जाती है। ऑन द स्पॉट यहाँ पर 5 लोगों की मौत हो चुकी है और तत्काल प्रभाव में जो वहाँ पर पुलिस है वो पहुंची हुई थी और सभी जो घायलों को है वो उनको उठा के और जो डिमरापाल हॉस्पिटल है वहाँ पर पहुंचा दिया गया है और जो घायल है उनकी लगातार इलाज जारी है और जो मृतक हुए हैं उनको पोस्टमार्टम के लिए पुलिस लगातार जुट गई है और इसकी जांच में भी जुट गई है। हालांकि जो घायल हैं, कई लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं और कई लोगों की मामूली चोट आई है और इस टाइप की लापरवाही होना कहीं ना कहीं यातायात विभाग के ऊपर भी सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं कि इतने बड़े जो छोटे पिकअप वाहन हैं उसमें इतने लोगों को भर के भेड़ बकरियों की तरह भर के ले जाना कहीं ना कहीं यातायात विभाग की लापरवाही भी है, तो इस तरीके की जो घटना सामने आती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आशुतोष। अगली खबर है, प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आगर को